राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली में रविवार सुबह 8 बजे बल्क नेता संपर्क मार्ग में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर तो निकाला गया लेकिन बिलासपुर में स्थानीय उपचार करवाने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जिसके बाद स्वारघाट के पीछे पंजपरी के पास घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के ब्रेक ना लगने से ट्रैक्टर नीचे की ओर पलट गया, जिसमें पिंकू कुमार को चोट आई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में ट्रैक्टर से बाहर ग्रामीणों की मदद से उसे निकाला गया, जिसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल बिलासपुर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन घायल चालक ने स्वारघाट के पीछे पंजपरी के पास दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के शव को FRU नालागढ़ ले जाया गया और जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक चंद ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश भर में आयोजित लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों पर लड़ा गया, जिसका परिणाम सार्थक रहा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा के शुरुआती वर्षों में ही वायदों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की, तो साथ ही धारा 370 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित अन्य विरोधियों के बयानों को चुनाव के दौरान राजनीति से प्रेरित होने के आरोप तक लगाए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और देश की जनता का जो समर्थन उन्हें मिला है उस पर वे खरा उतरेंगे। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि विडंबना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ना अपने गृह जिला और ना ही अपने गृह हलके में लीड ले पाए हैं। बिलासपुर जिला से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को 67,154 जबकि नैना देवी हलके से 10,833 मतों की लीड मिली है, जिससे साबित हो जाता है कि विधायक जनता के बीच अपना विश्वास खो चुके हैं। इस लिहाज से उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने विधायक पद से भी त्याग पत्र देना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बार के चुनाव में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के पक्ष में जोरदार वोटिंग हुई, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो। हर हलके में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक बधाई तथा राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के राज्य अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भी वे बधाई देते हैं। इसके अलावा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के मतदाताओं, नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार है, जिनकी कड़ी मेहनत व लगन की बदौलत आज बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार प्रदेश ने लगभग 70% पूरे देश में सर्वाधिक प्रतिशत आंका गया है, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 68% वोटिंग ने एक बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी कायम किया है।